वेलकम बैक टू फूडोपोलिस। आज मैं पाव भाजी का ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है और उसमें एक स्टैंड मैंने रख दिया है। तो जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे आटा तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैदा को मैं सीव कर रही हूँ जिससे कि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने डाला है शुगर। ये इनो है, जो छोटा साइज का इनो आता है वो मैंने फुल इनो का पैकेट ले लिया है, मतलब 2 रुपये में जो इनो का पैकेट आता है। और ये 2 कप मैंने मैदा लिया है। यहाँ पे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने यूज़ किया है। और ये 1/2 कप दही है, खट्टा दही। और सभी को हम लोग मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग आटा गूंथने के लिए जितना पानी का ज़रूरत है उतना पानी हम लोग लेंगे। नॉर्मल वाटर है ये। और ध्यान रहे कि आटा ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, आटा मीडियम होना चाहिए। और यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और 2 टेबल स्पून बटर। और फिर से मैं आटे को गूँथ रही हूँ। आटा मैंने गूंथ लिया है और उसके 6 बॉल मैं बनाऊंगी। और बॉल को किस तरह से मैं ट्रे में अरेंज कर रही हूँ आप लोग देखिए। सिक्स बॉल बने हैं मेरे और सभी को मैं ट्रे में अरेंज कर लूँगी। ट्रे को मैंने पहले से ही ग्रीस करके रखा था और प्रीहीट ओवन में हम लोग इसे डाल देंगे। और इसका ढक्कन, कुकर का ढक्कन जो है वो फॉल्स हम लोग वैसे ढक देंगे। सीटी और गैसकेट जो होता है वो हम लोग खोल देंगे। ये सीटी मेरा ऐसे ही फॉल्स है। और ये 20 मिनट हो गए हैं और मैं दूध से इसे ग्रीस कर दे रही हूँ। और आफ्टर 10 मिनट ये मेरा रेडी टू सर्व पाव भाजी का ब्रेड तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।